actress Rani Mukerji to start shooting for her new project very soon. Hi, this is me Manu and you're watching Boogle Bollywood. Actress Rani Mukerji, वो मेरी तारीफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन Bollywood industry में वो काफी renowned personality है. और जो भी वो movie करती है, वो super hit जाती है. और वो हमेशा ही bold roles करती हुई नजर आती हैं, कभी एक officer का तो कभी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का. ऐसी एक उनकी आने वाली मूवी है जिसका नाम है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे. ये मूवी एक मदरहुड पर बेस्ड होने वाली है और एक मदर के स्ट्रगल पर बेस्ड होने वाली है. उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी कोई प्लॉट नहीं है या ये स्टोरी सिर्फ एक राइटिंग नहीं है, बल्कि ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है जिसको रानी मुखर्जी पोर्ट्रे करने वाली है. और इस मूवी के डायरेक्टर हैं आशिमा छिब्बर. अगर हम आशिमा छिब्बर की बात करें तो मेरे डैड की मारुति जैसी फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया है, जो कि काफी ज्यादा सुपर हिट हुई थी किया है. और यहीं से आशिमा छिब्बर को काफी ज्यादा फेम मिला था और इनकी ये मूवी काफी ज्यादा सुपर हिट रही थी. लेकिन अब मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे को ये डायरेक्ट करने जा रही है और इनका कहना यह है कि रानी मुखर्जी के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है. वहीं रानी मुखर्जी अपनी लोकेशन के निकल चुके हैं क्योंकि ये शूट इंडिया में नहीं किया जा रहा है और डाइवर्स लोकेशन पे इसको शूट किया जाएगा और काफी क्लासिक और रॉयल लुक वाली होने वाली है ये मूवी. लेकिन दोस्तों, अगर हम वही मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो निखिल अडवाणी इस मूवी को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. और रानी मुखर्जी से जब इस बारे में पूछा गया कि आप इस मूवी को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैंने इस मूवी के बारे में सुना और स्टोरी लाइन सुनी तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और ना करने का मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था. और टेस्ट लुक के बाद जब मुझे फाइनल किया गया तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई थी. लेकिन अब मैं अपनी मूवी की शूटिंग कुछ दिनों के अंदर शुरू कर दूंगी और उसके बाद बहुत ही कम दिनों के स्केड्यूल में इस मूवी की शूटिंग को खत्म भी कर लिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों के सामने आ जाएगी मूवी, यानी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज भी जल्द ही शुरू होने वाला है. तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार कितनी फिट हो पाएंगी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इस रोल में और क्या वो आप लोगों तक इस मैसेज को पोर्ट्रे करने में कामयाब हो पाएंगी या फिर नहीं. तो दोस्तों, बॉलीवुड की हर एक टॉप अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड.